जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपीसीटी न्यूज को। आगरा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित और जिला महासचिव शाहिद द्वारा बिजली कंपनी टोरेंट पावर से पैसों के लेन देन का वीडियो वायरल प्रकरण अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष के एक साथ दो वीडियो और वायरल हो गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने किस तरह पैसे के लिए एक महिला से फर्जी एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। इस बात को एक वीडियो में खुद महिला बयां कर रही है। दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही कांग्रेस के ग्रुप पर भी तेज़ी से चल रहे हैं। बता दें कि वायरल वीडियो में जो जगह नज़र आ रही है वह एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला के घर का है। उस समय घर पर महिला, उसकी बेटी और बेटा भी बैठा हुआ है। जिस शख्स ने वीडियो बनाया है वह महिला से बातचीत कर रहा है। आपसी बातचीत का पूरा ब्यौरा जानने के लिए वीडियो देखें। नहीं तो सेटलमेंट तो ये गई थी, मुकदमा दिखाने सब कुछ हुआ था। अच्छा। तो एक बार इसका झगड़ा हुआ था तो हमने इसकी उस समय मदद की थी, तो मदद में इसने दुनिया भर के वो तो सब कागज़ हमारे पास थे, हमने एसएसपी के सामने जाकर कागज पेश कर दिए। साहब ये स्थिति है तो उसमें क्या होना है, झूठ के कितने पैर होते हैं भाई। आज से लड़ाई तो फिर तो उस दिन तो ये पहले दिन तो बात करते थे, अरे हम आपको पैसा दिलाएंगे ये है वो। फिर चुल्लू ने भी इसको बोला लड़के को कि अरे तुम्हें हिमांशु से पैसे ले लो, कि हिमांशु से ले लो। मैंने कहा मैं ऐसे पैसे नहीं किसी से मांगती हूँ भैया, दिलवाने की कह रहे दिलवा देंगे भैया। इस चक्कर में ऐसा मैं उसके चक्कर में आ गई, मैंने चल पैसे मिल जाएंगे मेरे, मैं उसके अंदर इतनी परेशान थी। फिर इन्होंने ना एप्लीकेशन वगैरह सब इन्होंने खुद ने लिखवाई है, साइन बाइन मेरे से करा ली, ऐसा है तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तुम टेंशन मत लो। मेरा अंदर से दिल भी कांप रहा, मैंने कहा गलत काम है। फिर कहते नहीं कोई ऐसा काम नहीं करो, और गलत काम हो जाए तो अपने आत्मा खुद दिखाती, मेरे खुद अपने आप को लग रहा जब आप मुझे माँ मिले तो मैं नज़र नहीं मिला पा रही कि मैंने गलत